Hare Krishna dear students, welcome to Avanti School of Excellence. How are you all? I hope you all are fine and safe. I am Bhavya Shukla, your Vedic Education teacher. And today I am going to tell you the story, Cave that talked. Bolne wali gufa. Cave means gufa. So let's start the story. Once in a forest, there was a lion. हु वॉज द किंग ऑफ़ द फॉरेस्ट एक बार एक जंगल में एक लॉइन था एक शेर था जो कि उस जंगल का राजा था he was getting old and was no longer strong enough to hunt his prey। वह बूढ़ा हो रहा था और अब उसके अंदर शक्ति नहीं बची थी शिकार करने की In search of food, he came across a river. और खाने की तलाश में वो एक गुफा के पास आया और सोचने लगा आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई हैव टू गो अराउंड फॉर my फूड मुझे नहीं पता कि मुझे अपने खाने की तलाश के लिए और कितना दूर जाना पड़े मे बी इन दिस केव आई कैन सम समे लेट मी चेक आउट हो सकता है कि इस गुफा में मुझे अपना शिकार मिल जाए चलो देखते हैं द लॉय लुकड अराउंड बट ही कॉन्ड फाइंड एंड फाइनली ही बिकेम सो उस शेर ने उस गुफा के अंदर चारों तरफ देखा पर उसे कोई शिकार नहीं मिला और वो बहुत थक गया द लॉय मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल इन साइड द केव लॉयन वहाँ गुफा में ही अंदर आराम से बैठ गया और सोचने लगा देयर इज़ नो वन ही बट दिस इज़ अ गुड प्लेस फॉर हाइडिंग आई शैल सिट हियर एंड वेट फॉर टू कम यहाँ पर कोई नहीं है पर यह एक बहुत अच्छी जगह है छुपने के लिए मुझे यहाँ बैठना चाहिए और किसी के आने कोई तो आएगा किसी के आने का इंतजार करना चाहिए इफ सम एनिमल कम्स आई विल हैव इट फॉर माई फुल सेटिसफैक्शन सिटिंग इन दिस केव इट यदि कोई एनिमल आता है तो मैं उसे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए खा लूँगा और मुझे मैं इसी केव में बैठा रहूँगा फॉक्स यूज टू लिव इन दिस केव उस केव में उस गुफा में एक फॉक्स रहती थीमड़ी एंड ही वॉज रिटर्निंग टू द केव और वो जो लोमड़ी थी वो अपनी गुफा में बाहर के गुफा में लौट रही थी ओप्स ड वन एंड चार्ज माई केव ओ कोई मेरी कोई तो मेरी गुफा में घुसा हुआ है सडनली द फॉक्स सॉ द फुट मार्क्स ऑफ द लाइन ऑल पॉइंटिंग टूवर्ड्स द केव अचानक उस लोमड़ी ने शेर के पंजों के निशान देखे जो कि उसकी गुफा की तरफ जा रहे थे देर आर दीज आर द फुट स्पार्क्स ऑफ लाइन थैंक गॉड आई स्पॉटेड इट बिफोर गोइंग इन साइड आई विल हैव टू कन्फर्म वेदर लॉन इज इन साइड और नॉट यह तो शेर के पंजों के निशान है भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि मैंने इन्हें देख लिया अब अपनी गुफा में जाने से पहले मुझे कन्फर्म करना होगा कि शेर अंदर है या नहीं माई डियर केव वॉट इज रॉन्ग विद यू Every day you welcome me so heartily, but today why are you so quiet? अरे मेरी प्रिय गुफा आज तुम्हारे क्या हुआ है हर दिन तो तुम मेरा इतने अच्छे से स्वागत करती थी आज तुम इतनी चुप क्यों हो Now listen, if you will not call me, then I will go to some other place. अब सुनो यदि तुमने मुझे नहीं बुलाया तो मैं किसी और स्थान पर चला जाऊंगा लॉयन सोचने लगा दिस केव कैन टॉक बट इट इज साइलेंट टूडे बिकॉज इट इज अफ्रेड ऑफ मी लॉइन ने सोचा कि ये गुफा बोल सकती है लेकिन आज ये मुझसे डर कर चुप है बट इफ द केव विल नॉट रिप्लाई देन फॉक्स विल गो अवे पर यदि गुफा ने आंसर नहीं किया तो वह लोमड़ी वापिस चली जाएगी एंड आई विल लूज माई फूड और मैं अपना भोजन नहीं कर पाऊंगा तो लॉइन ने बोला माई डियर फॉक्स प्लीज कम इन साइड एंड टेक रेस्ट। यू मस्ट बी वेरी टायर्ड लॉइन ने गुफा की बंद करके बोला माई डियर फॉक्स मेरी प्रिय लोमड़ी कृपा करके अंदर आ जाओ और आराम करो तुम बहुत थक गई होगी लोमड़ी ने सोचा आई हैव टू गेट अवे फ्रॉम हियर एज क्विक एज पॉसिबल मुझे यहाँ से भागना होगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वेन द लॉय केम आउट ऑफ द केव ही सॉ दॉक्स रनिंग अवे जब लॉय उस केव से उस गुफा से बाहर आया तो उसने उस लोमड़ी को भागता हुआ देखा मॉरल ऑफ द स्टोरी जस्ट लाइक द क्लेवर फॉक्स यू ऑल्सो बस थिंक बिफोर यू डू एनी वर्क उस चालाक लोमड़ी की तरह कभी भी कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए दिस विल सेफ यू फ्राम डिफिकल्टीज और इस तरह तुम डिफिकल्टीज से परेशानियों से बच सकते हो वन हो थिंग्स वाइजली एंड एक्ट अकॉर्डिंगली इज रियल वॉइस जो इंसान सोच समझ करके कार्य करता है वो असली में बुद्धिमान होता है हरे कृष्णा